मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजराना गणेश मंदिर परिसर में बने डायग्नोस्टिक और किडनी सेंटर का भी शुभारंभ किया। सीएम ने इस सेंटर को इंदौर शहर के लिए सौगात बताया। सीएम ने कहा, खजराना गणेश मंदिर न सिर्फ धार्मिक बल्कि जनसेवा का भी केंद्र बन रहा है। खजराना गणेश मंदिर परिसर में शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन सहायता से बनाए गए डायग्नोस्टिक और किडनी सेंटर का शुभारंभ किया। इस डायग्नोस्टिक सेंटर में मात्र 400 रुपए में डायलिसिस की सेवा दी जाएगी। करीब 12,000 स्क्वायर फीट पर बनाए गए इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए मरीजों का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेंटर की शुरुआत करने के साथ ही इसे इंदौर के लिए सौगात बताया। सीएम बोले कि खजराना गणेश मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और अभी मंदिर जनसेवा के क्षेत्र में केंद्र बनता जा रहा है। आज मुझे खुशी है कि खजराना गणेश मंदिर के इस प्रांगण से भगवान गणेश गणपति जी की कृपा से ये स्थान ये मंदिर केवल धार्मिक श्रद्धा और आस्था का केंद्र नहीं है, जनसेवा का केंद्र भी बन रहा है। और हम जानते हैं कि किडनी में जब दिक्कत होती है तो कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। अब इस मंदिर से ऐसे रोगी जो किडनी संबंधी रोग से पीड़ित हैं उनको डायलिसिस की सुविधा बहुत कम पैसों पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये पुण्य का काम है और यही धर्म का काम है। इसके लिए मैं खजराना मंदिर ट्रस्ट को, उससे जुड़े सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री ने खजराना गणेश मंदिर के अन्य क्षेत्र का भी दौरा किया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी अन्य क्षेत्र को लेकर जानकारी जुटाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।